हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली क्रिएशन। आज आपको मैं बताऊंगी योक टॉप बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, योक टॉप जो होता है एक डिज़ाइनर टॉप होता है और इसे आप डेनिम्स के साथ और लेगिंग्स के साथ पहन सकते हैं। और चलो, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मेजरमेंट देख लीजिए। ये योक मैंने बनाया हुआ है। मेजरमेंट है इसकी चेस्ट है 34, शोल्डर है 13 और हमारे पूरे टॉप की लेंथ है 27। तो 13 का मैंने हाफ़ किया है तो वो हमारे पास आया 6.5। उसका हमने स्क्वायर बना दिया है और ये हमने यहाँ पे चेस्ट का चौथा प्लस 1 किया है और हमने राउंड चेस्ट निकाली है 9.5। इसी पॉइंट से मैंने नीचे की तरफ चेस्ट का 24वां हिस्सा लिया है और 1.5 इंच यहाँ पे मैंने लाइन खींची है और इसी पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया है। अब मैं आपको कपड़े पे बताती हूँ। सबसे पहले आप शोल्डर लेंगे, हम 13 था शोल्डर, उसका आधा करेंगे 6.5 और ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ के ड्राफ्टिंग करेंगे। अब यही इसी पॉइंट से हम नीचे की तरफ भी 6.5 लेंगे क्योंकि हमें इसका स्क्वायर बनाना है। अब मैं इन लाइन्स को मिला दूंगी। अब फ्रेंड्स, मैं चेस्ट लूंगी, चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 आ जाएगा हमारा राउंड चेस्ट 9.5। अब इसी पॉइंट से मैं चेस्ट का 24वां हिस्सा लूंगी जो हमारा आएगा 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। मैं इसको इसे गोलाई से मिला दूंगी। अब मैं आर्म होल की शेप करूंगी, इसके बीचों बीच आप मार्क करके और फ्रंट की भी शेप बना लेंगे। इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। 1/2 इंच मैंने मार्जिन में लेके अंदाजे से इसको कट कर लिया है। अब मैं आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी। अब मैं फ्रंट की भी कटिंग कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट काट लिया हमने और ये बैक भी है। अब हम इस पे नेक लाइन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी नेक लाइन बनाई हुई है योक पे और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मुझे उसे एडिट करना पड़ा, लेकिन मैंने इसी के नेकलाइन के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं और मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो गोलाई है यहां पे मुझे घेरा लगाना है टॉप का। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कपड़े में मैं घेरा बनाऊँगी। सबसे पहले मैं योक की लेंथ नाप लेती हूँ जो है 8.5। 1/2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है और टॉप की लेंथ है 27, तो 27 में से योक की लेंथ हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 19। 19 में 2 प्लस करेंगे नीचे मोड़ने के लिए तो हमारा आ जाएगा 21।
और इसकी चौड़ाई है 22। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं इसकी चौड़ाई। अब मैं इसे बीच में से काट दूंगी क्योंकि ये डबल कपड़ा मैंने लिया था, क्योंकि दो घेरे बनेंगे, एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का। अब ये दोनों कोने में मिला दूंगी इस तरह से। मैं ये डबल कपड़ा है, मैं इसे 4 फोल्ड कर दूंगी। अब देखिए ये 4 फोल्ड हो चुका है। अब आप 1.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ से, यहाँ मैं एक गोलाई दे दूंगी। अब मैं इसे कट कर लूँगी। मैं इनको खोलूँगी, देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसे खोल दिया है। ये 2 घेरे हैं, बीच का मैंने हटा लिया, ये फ्रंट का और एक बैक का हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आप कैसे योक लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से योक आएगा और ये पॉइंट इस तरह से इससे मिल जाएगा, और हमारा जो आर्म होल कट गया था योक टॉप काटने के समय वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आप प्लेट्स लगा सकते हैं या आप चुन्नट भी डाल सकते हैं। मैं चुन्नट डालने के लिए पहले यहाँ पे कच्चा करूँगी, छोटा छोटा कच्चा करने से जो चुन्नट डलती हैं वो बहुत अच्छी डलती हैं। ये देखिए कच्चा हो चुका है मेरा। इस तरह से जब हम इसको धागा खींच के इकट्ठा करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलाई करके अटैच कर दूँगी। ये देखिए सीधे योक पे हमने ये उल्टा जो हम चुन्नट वाला हिस्सा है इस तरह से रखेंगे, उल्टा कपड़ा रखेंगे ऐसे। ये जो हमने गोलाई लगाई थी इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे आप 1.5 इंच तक पहले हम प्लेन सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब मैं इस कपड़े को धागा खींचते हुए चुन्नट डालूंगी तो इस तरीके से आएंगे। इस तरह से चुन्नट लगाना बहुत इजी हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए अब इस पॉइंट को हम मैंने मिला दिया है। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमारा ये अटैच हो चुका है दोनों। अब ये जो धागा है जिससे हमने कच्चा किया था वो धागा हम इस तरह खींच के निकाल देंगे। ये देखिए अब फ्रेंड्स ये जो ब्लू कपड़ा है इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए, उठा उठा सा ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई भी लग चुकी है। अब इसी तरह हमें बैक पार्ट भी बनाना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट भी बना लिया है बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने फ्रंट बनाया था। अब क्या करना है, हमें इसके तीरे जोड़ने हैं। इन दोनों को हमें तीरों से शोल्डर से अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीरे इसके जोड़ दिए हैं। अब है स्लीव की बारी, स्लीव लगाने की। तो इसकी फिटिंग हम नहीं करेंगे, पहले हम इसमें स्लीव लगाएंगे। इसके लिए हम इसको इस तरह से खोल लेंगे और जो भी स्लीव आपने बनाई है उसकी भी फिटिंग नहीं करनी, फिटिंग करने से पहले ही वो इस तरह से अटैच होंगी। ये देखिए, सीधे कपड़े पे हम इसको उल्टा रखेंगे स्लीव को। सबसे पहले आप स्लीव के बिल्कुल बीचों बीच एक कट लगा देंगे ताकि हमें इसका सेंटर पता लग सके, इस तरह से। अब ये मैंने सीधे कपड़े पे इसे उल्टा रख लिया है और ये जो सिलाई है बिल्कुल इससे मिला के आप इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं से हमने शुरू करनी है स्टिचिंग, ठीक है। ये देखिए, ये जो कट है ये बिल्कुल जो तीरे की सिलाई है इससे मिलना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसका आधा हिस्सा जो बाकी का है वो भी इसी तरह अटैच होगा। इधर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे बीच से ही। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी स्लीव जोड़ ली है। अब हमें इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के लिए हमें इस तरह इसको मोड़ लेंगे और स्लीव की और टॉप की इस तरह से एक साथ ही फिटिंग हो जाएगी। स्लीव की फिटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लिया है बॉटम में, और यहाँ मैंने जितना भी आपने आपके नाप के हिसाब से है उतना यहाँ पे हम मार्क करके यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी आप नाप लें जितना भी आप फ्री स्लीव का चौड़ाई है। सिलाई से मिलनी चाहिए सिलाई बिल्कुल। यहाँ पे आप आधा इंच का मार्जिन ही छोड़ें। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पे फिटिंग पे। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉप बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पीछे से भी इसी तरह से प्लेट चुनर्स डाली हमने। अब आप इसका बॉटम मोड़ सकते हैं। आप या तो तुरपाई कर सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं।
खाली आप इस तरह से मोड़ के इस पर सिलाई लगा देंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये टॉप डिज़ाइन योग टॉप कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में मुझसे, जो आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।